अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपका अपना अयाज बशीर एक और क्रिकेट न्यूज़ में आपके साथ हाजिर है। और खुश मैं इसलिए ज़्यादा हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन थी इंग्लैंड ये टेस्ट जीतेगा और 2-2 से बराबर हो गया, तो बड़ी खुशी खबर है। और ये एशेज जो क्रिकेट है, इतनी कमाल की क्रिकेट है, फुल स्टेडियम। और ये ज़रा स्पेशल टेस्ट था इंग्लैंड के लिए क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, उन्होंने 604 विकेट्स लिए हैं। और जो है, चलते हैं नाजरीन डायरेक्ट मैच की जानिब। 135 रन पे जब कोई आउट नहीं था कल डे 4 के एंड पे, तो यही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है आराम से जीत जाएगा, ना भी जीते तो ड्रॉ ज़रूर कर जाएगा और एशेज जो है 2-1 से वो जीत जाएगा या 2-3-1 से जीत जाएगा अगर टेस्ट जीत गया तो। लेकिन इंग्लैंड ने मिरेकल हुआ था ना, मिरेकल जो है दिखाया और बड़े नामुमकिन सिचुएशन से जीते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन फॉलो विकेट्स की जानिब, उसके बाद आपको बैट्समैन स्कोर और बॉलिंग बताऊंगा और जो एशेज सीरीज़ के एंड पे प्लेयर ऑफ द सीरीज़ और वो भी बताते हैं आपको। तो चलते हैं फॉलो विकेट नाज़रीन। तो पहला विकेट है 135 रन, क्योंकि कल था सिर्फ 5 स्कोर ऐड हो सके 140 रन पे। पहला विकेट जो है डेविड वार्नर का गिरा, एक रन के बाद ही 141 पे उस्मान ख्वाजा का विकेट गिर गया। उसके 169 पे मार्नस लबुशेन, जो इतना खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे और इतनी खास परफॉर्मेंस भी नहीं है। उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप, नियरली 100 रन की पार्टनरशिप लगी है ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ की। और इंग्लैंड बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका था, जो मैं मैच देख रहा था मुझे भी लग रहा था बस मैच ये निकाल के ले गए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड, पहले मैच के मैन ऑफ द मैच भी हैं ये। तो 264 पे मोइन अली ने उन्हें आउट किया है। उसके बाद स्टीवन स्मिथ 10 स्कोरों के बाद 74 पे आउट हो गए हैं। 74 पे मिचेल मार्श आउट हुए हैं। उसके बाद 275 पे मिचेल स्टार्क आउट हुए हैं। पैट कमिंस जो हैं 294 पे। उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी है तकरीबन 35 स्कोर्स की, टॉड मर्फी और जो है इसकी पैट कमिंस की लगी थी। उसके बाद टॉड मर्फी आउट हुए 329 पे और लास्ट में एलेक्स कैरी आउट हुए। तो चलते हैं स्कोर कार्ड, इन्होंने किस बैट्समैन ने कितने स्कोर बनाए हैं। बैट्समैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, डेविड वार्नर ने स्पेशली 60 रन की इनिंग्स के लिए, उस्मान ख्वाजा ने 72, मार्नस लबुशेन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए एक दफ़ा फिर 13 स्कोर, स्टीवन स्मिथ का बहुत ज़बरदस्त एशेज गया 5 टेस्ट 54 स्कोर बनाए हैं, ट्रेविस हेड ने 43, मिचेल मार्श ने 6, एलेक्स कैरी ने 28 और मिचेल स्टार्क दूसरी बॉल पे 0 स्कोर, पैट कमिंस ने जो है 9 स्कोर, टॉड मर्फी ने 18 और हेजलवुड 4 पे नॉट आउट। चलते हैं बॉलिंग परफॉर्मेंस की जानिब। नाज़रीन स्टुअर्ट ब्रॉड का ये आखिरी टेस्ट था, 2 विकेट्स लिए हैं, बड़े कमाल के विकेट्स लिए हैं। सेकेंड लास्ट विकेट इन्होंने लिया जब वो बेल्स जो है ना एक्सचेंज करके आए हैं, तो आउट कर दिया उन्होंने। जिमी एंडरसन अनफॉर्चुनेटली कोई विकेट नहीं ले पाए। क्रिस वोक्स ने बड़ी कमाल की बॉलिंग की है, डेविड वार्नर को आउट किया है, उसके बाद मिचेल स्टार्क को भी आउट किया है, बड़ी की विकेट्स लिए हैं। मोइन अली नाजरीन बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, बड़ी कमाल की बॉलिंग की है, ट्रेविस हेड को आउट किया उन्होंने, उसके बाद और भी की विकेट्स लिए हैं। जॉय रूट ने कोई नहीं लिया, मार्क वुड ने 1 विकेट लिया। तो ऐसे इंग्लैंड जो है 49 रन से जीत गया और एशेज 2-2 से ड्रॉ हो गई है। थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि ये बॉल चेंज किया इन्होंने, बॉल का मसला था थोड़ा सा। तो चलते हैं नाज़रीन प्लेयर ऑफ द मैच क्रिस वोक्स, अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के हवाले से तीसरे टेस्ट में बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज 2 प्लेयर्स को मिला है, मिचेल स्टार्क और जो है क्रिस वोक्स, दोनों को मिला है प्लेयर ऑफ द सीरीज। कोई भी बैट्समैन ये अवार्ड नहीं ले पाया, बैटिंग परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी अच्छी गई हालांकि, लेकिन कोई नहीं ले पाया, कंसिस्टेंट कोई नहीं था। स्टीवन स्मिथ ने सेंचुरी स्कोर की है, उसके बाद जो है इसने 1-2 इंग्लैंड के बैट्समैनों ने भी सेंचुरी मारी है लेकिन खास स्कोर नहीं कर पाए। इसने जैक क्रॉली ने बड़ा 189 का स्कोर किया था। तो उन्हें देखा जाए तो नाज़रीन बड़ी फाइटिंग क्रिकेट हुई है, बड़ी कमाल की क्रिकेट, मैंने बहुत इन्जॉय किया। थोड़ी सी उदासी है कि टेस्ट क्रिकेट नहीं होगी, T20 सीरीज जो है आने वाली है इंग्लैंड और जो है आगे न्यूजीलैंड की आई थिंक, वो भी आपको क्रिकेट अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी, एशेज़ की तमाम वीडियोज़ 20-25 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नाज़रीन नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।